की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड टीएमटी सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड टीएमटी सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर एम एस अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। आइए देखते हैं क्या है इस वक्त बिहार न्यूज एक्सप्रेस पर खास खबर। आप देख सकते हैं किस तरह बीजेपी और जदयू के नेता यहाँ हैं, और सीधे हम बात करते हैं मनोज सिंह जी हैं जो एनडीए के प्रत्याशी हैं। मनोज सिंह, उनसे बात करते हैं क्या कुछ कहेंगे और क्या कुछ कार्यक्रम है आज आपका, क्या कुछ कार्यक्रम है आज नॉमिनेशन के लोग। देखिए, मेरा 10:30 पर यहाँ से हम निकलेंगे और 12 से पहले मेरा नामांकन होगा। इस बीच में मेरा रूट होगा ये डीएवी कॉलेज मोड़ से पैदल चलते हुए टाउन थाना होते हुए शहर के बीच शहर से जगड़ावा बड़ा टाउन थाना होते हुए जेपी चौक और जेपी चौक से फिर डीडीसी कार्यालय होते हुए जिला समाहर्ता के यहाँ 12 के पहले हमारा नामांकन हो जाए। कौन कौन से नेता इस आपके नामांकन में शामिल हुआ? अभी तक जो जानकारी हमें मिली है उस हिसाब से माननीय जनक जी और माननीय मंगल पांडे जी स्वास्थ्य मंत्री जी आ रहे हैं। एनडीए के प्रत्याशी हैं लेकिन एनडीए का कोई नेता दिखाई नहीं दे रहा है। जदयू के पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह, जिला परिषद अध्यक्ष संगीता यादव निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थन में दिख रहे हैं, नॉमिनेशन में भी वो लोग दिखाई दे। तो क्या लगता है कि एनडीए में टूट है? ऐसा कुछ नहीं है। श्याम बहादुर जी हमको बोले हैं कि हम आ रहे हैं। जब तक एनडीए घोषणा नहीं किया था, हम चाहते थे कि दूसरा व्यक्ति को मिले, लेकिन नहीं मिला, तो हम आपके साथ हैं। रही बात श्याम बहादुर व्यास सिंह का, व्यास जी का और देवेश जी का, तो ये दोनों आदमी आ रहे हैं, समय से कलेक्ट्रेट में पहुंच जाएंगे। पटना से चल दिए हैं चूँकि विधानसभा है, उन लोगों को हस्ताक्षर बना करके आना है, इसलिए थोड़ा लेट हो रहा है। जिला परिषद की अध्यक्ष जो है संगीता यादव, वो भी रईस खान के नॉमिनेशन में दिखाई दी, उनके साथ चुनावी जनसंपर्क में। हाँ, कितना असर पड़ेगा उसका? देखिए, उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। हमारे साथ माननीय पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव जी हैं और यादव के वही लीडर हैं एनडीए में, इसलिए उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस कोई असर नहीं। ओम प्रकाश यादव जी दिखाई नहीं दे रहे हैं पूर्व सांसद? बिल्कुल आएंगे, समय से आ जाएंगे, वो भी आ रहे हैं। क्या अपील करेंगे अभी आपका नॉमिनेशन होने वाला है, क्या अपील करेंगे? मैं आपके माध्यम से सिवान के सम्मानित जनप्रतिनिधियों से और समर्थकों से, एक वोटा है वोटर, एक वोटा है सपोर्टर, तो सपोर्टर और वोटर दोनों से अपील करेंगे कि आप लोग एनडीए के पक्ष में मतदान कीजिए, ताकि फिर से जिस सरकार ने आपको कुर्सी दिया है, जिस सरकार ने आपको नल जल के माध्यम से आपको अधिकार दिया है, जिस सरकार ने आपका चिंता किया है, उसको आप वोट दीजिए। जिस आरक्षण और अति के माध्यम से आपको कुर्सी मिली है, दलित पिछड़ा अति पिछड़ा के लोगों को जो सरकार ने सीट कुर्सी देने का काम किया, रिजर्व करने का काम किया, उससे दबे कुचले लोग भी मुख्य धारा से जुड़ गए हैं, इसलिए आप हमें एक बार मौका दीजिए। होली मिलन कार्यक्रम, होली मिलन हाथ को मजबूत कीजिए। होली मिलन कार्यक्रम नामांकन के पश्चात सबसे अपील करेंगे कि आप सभी जिला भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय चांप में पहुंचिए और वहां पर पहुंच करके होली मिलन का कार्यक्रम है, उसमें माननीय जनक राम जी माननीय मंत्री और माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी और अन्य सभी ओम प्रकाश यादव जी, श्याम बहादुर सिंह जी, व्यास जी, व्यास करणजीत सिंह और व्यास सिंह जी और हमारे देवेश खान जी, ये सभी लोग रहेंगे। एनडीए के सभी नेता बिल्कुल एकजुट है, कहीं कोई बात। चलिए, तो ये एनडीए के प्रत्याशी मनोज सिंह जी है जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि एनडीए एकजुट है। पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह से भी बात हुई है और वो जल्द ही इनके पास आ रहे हैं। तो ये इनका ये जो रैली है वो लगभग आधे घंटे में यहाँ से इनके आवास निकलेगा, शहर भ्रमण करते हुए समाहरणालय पहुँचेगा और वहाँ पे इनके नॉमिनेशन होगा। उसके पश्चात चाप डाला पे स्थित भाजपा कार्यालय में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के साथ मंत्री जनक चमार भी हिस्सा लेंगे।
बिहार न्यूज एक्सप्रेस देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अभी तक आपने अगर बिहार न्यूज एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाना हुआ आसान, बने इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक अधिकृत। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार, निम्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल, साथ ही कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के इलाज कराने के लिए अब आपको बड़े शहरों में जाकर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अपने शहर सिवान में कैंसर का सफल इलाज होता है। जी हाँ, डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज के यहाँ हर्बल से निर्मित इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा कैंसर जैसी बड़ी और खतरनाक बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। सभी प्रकार के कैंसर की बीमारियों में सफलतापूर्वक इलाज के लिए आज ही संपर्क करें डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज, सिसवन ढाला, लक्ष्मीपुर, सिवान। संपर्क नंबर है 9472250677।